मेरे विद्यार्थियों, राजकीय पॉलिटेक्निक चित्तौड़गढ़ से मैं गौरव ज्ञानी विषय कोड ME308 मशीन डिजाइन में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम समझेंगे डिजाइन ऑफ लीवर। जैसा कि पहले आपको बताया गया था, सर किसी भी कंपोनेंट की डिजाइन करनी है तो उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम समझेंगे लीवर क्या है। लीवर एक रिजिड रॉड या बार है जो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टर्न हो सकती है। बार या रॉड जो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टर्न हो सकती है, और फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फल्क्रम। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई लोड है, हैवी लोड है, इसको हमको शिफ्ट करना है, खसकाना है। ये ग्राउंड पर रखा हुआ है तो इसको खसकाने के लिए रॉड लेकर के इसके नीचे जाकर यहां से यदि एफर्ट लगाएंगे तो ये लोड जो है लिफ्ट हो जाएगा। तो ये फिक्स पॉइंट कहलाएगा फल्क्रम और ये है एफर्ट। एफर्ट से लोड उठा सकते हैं। लीवर काम क्या होता है? लीवर का काम है कम एफर्ट से ज्यादा लोड उठाना। मशीन कंपोनेंट में मशीन के अंदर ये काम आते हैं। कई एग्जांपल्स हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लीवर, किस सिद्धांत पे काम करता है? ये काम करता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्सेस इसको और समझते हैं। मान लीजिए कोई लोड है W, इसको उठाने के लिए P एफर्ट लगाते हैं। ये लीवर लगाता है और यहां पे इसका फल्क्रम, ये फल्क्रम, ये लेंथ मान लीजिए L2 है और ये लेंथ L1 है। तो इस फल्क्रम का अगर हम मोमेंट निकालेंगे तो P इंटू L1 इक्वल टू W इंटू L2, W अपॉन P इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। W1 भी क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज। एक और टर्म है लीवर का, आती है लीवरेज। ये होता है एफर्ट ऑन वन लोड ऑफ। जिस आर्म में एफर्ट लगता है उसकी लंबाई डिवाइडेड बाई लोड आर्म की लंबाई को लीवरेज कहते हैं। लीवरेज का मॉडल जो है एक से अधिक आएगा तभी मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। अब आता है डिजाइन ऑफ लीवर पे। डिजाइन ऑफ लीवर से मतलब है लीवर के जो डायमेंशंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। एक डायग्राम में लीवर बनाया गया है, इसको समझते हैं। ये लीवर की आर्म है, इसकी मोटाई फिक्स है, इसकी मोटाई जो है पी है और इसकी जो चौड़ाई है वो यहां से यहां टेपर है। तो बॉस के पास में इसकी चौड़ाई बी है और यहां पे आगे जाके कम हो जाती है। ये हैंडल है, इस हैंडल से हाथ से एफर्ट लगाया जाएगा। ये शाफ्ट है लीवर की, ये शाफ्ट है और ये बेयरिंग है। इस बेयरिंग में ये शाफ्ट रोटेट करती है। शाफ्ट का डायमीटर यहां अधिक है और यहां कम है, इसको आगे समझेंगे हम। मान लीजिए यहां शाफ्ट का डायमीटर स्मॉल डी है, ये जो है बॉस है। हम क्या क्या डिजाइन करेंगे? शाफ्ट का डायमेंशन करेंगे, डिजाइन ऑफ शाफ्ट। इसमें की भी हो सकती है, यहां पे की लगी होगी जो यहां से इस व्यू में ऐसे दिखेगी, तो की भी हो सकती है। तो शाफ्ट का डिजाइन होगा, की का डिजाइन होगा, उसके अलावा लीवर आर्म का डिजाइन होगा और शाफ्ट के इस पार्ट का डायमीटर भी निकालेंगे। पहले हम समझते हैं कि एफर्ट लगा हुआ की यहां पे और एफर्ट की लंबाई यहां से एल है, सेंटर से लंबाई एल है।
शाफ्ट का व्यास जो है बी है, लीवर की मोटाई टी है, यहाँ पे चौड़ाई बी है और यहाँ पे ये चौड़ाई कम हो जाएगी लगभग बी बाय टू रह जाएगी। नंबर वन है डिजाइन ऑफ शाफ्ट, डिजाइन ऑफ शाफ्ट। तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क बराबर हो जाएगा मोमेंट। इस शाफ्ट में टॉर्क क्या लग रहा है? ये एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। टॉर्क बराबर पी इंटू एल। इस टॉर्क के कारण इस शाफ्ट में जो स्ट्रेस उत्पन्न होगी फॉर्मूला हम जानते हैं फाइव बाई सिक्सटीन टाउ डी क्यू। ये हम शाफ्ट के डिजाइन कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन से हम शाफ्ट का व्यास डी ज्ञात करेंगे। डी आने के बाद जो बॉस है, बॉस के डायमेंशन हम प्रोपोर्शन में लेंगे। तो अब लिखेंगे नंबर टू डिजाइन ऑफ बॉस, डिजाइन ऑफ बॉस। ओडी बराबर 1.6 डी। इस बॉस की जो ओडी है वो ये 1.6 डी लेंगे और लेंथ ये हमारे स्मॉल एल है, लेंथ ऑफ बॉस 1.25 डी से 1.5 डी, 1.5 डी से 1.5 डी इसकी लंबाई रहता है। ये डायमेंशन प्रोपोर्शनेट हमने मान लिए बॉस के, उसके बाद बॉस में उत्पन्न स्ट्रेस हम ज्ञात करेंगे। यदि ये स्ट्रेस डी के स्ट्रेस के अंदर है तो सेफ है, अदरवाइज हम इसकी साइज बढ़ाएंगे। इसको समझते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड बॉस के अंदर जो टेंशन स्ट्रेस उत्पन्न होगी, तो अपन इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो पार्ट है इसकी मोटाई आ जाएगी 0.3 डी। 0.3 डी इसकी मोटाई है, इसको भी कोई नाम देते हैं, मान लीजिए T1। T1 इसकी मोटाई है, यहां पे टेंशन फोर्स निकालेंगे। तो टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा? टॉर्क डिवाइडेड बाई या मोमेंट डिवाइडेड बाई ये रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी? डायरेक्ट टेंजेंशियल फोर्स निकालते हैं। टेंजेंशियल फोर्स एफ बराबर टॉर्क डिवाइडेड रेडियस। टॉर्क का मान है पी इंटू एल और रेडियस क्या हो जाएगी? डी प्लस टी वन डिवाइड बाई टू, ये रेडियस यहां डी प्लस टी वन बाई टू। अब एफ बराबर हो जाएगा, इसकी लंबाई स्मॉल एल है तो टी वन एल सिग्मा टी, टी वन एल सिग्मा टी। एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया हो गया मल्टीप्लाई बाई परमिशनल टेंशन स्ट्रेस, दिस विल गिव अस एफ और एफ का मान है ये, तो पी एल इज इक्वल टू टी वन एल सिग्मा टी डी प्लस टी वन अपॉन डिवाइड बाई टू। सर टू पी एल बराबर टी वन एल सिग्मा टी डी प्लस टी। तो इस इक्वेशन में हम सिग्मा टी का मान कैलकुलेट करेंगे। यदि ये मान परमिशनली के अंदर है तो हम लिखेंगे कि द डायमेंशन अज्यूम्ड आर करेक्ट, अदरवाइज यदि सिग्मा टी का मान ज्यादा आता है, परमिशनली से ज्यादा आता है, तो हमको ये डायमीटर या ये लंबाई या दोनों बढ़ाने पड़े। इस केस में हम डिजाइन ऑफ शाफ्ट कर चुके और डिजाइन ऑफ बॉस हो चुका। अब शाफ्ट का डायमीटर यहां पे ज्यादा आएगा, यहां मान लीजिए डी वन शाफ्ट का डायमीटर,
इसको भी हमको कैलकुलेट करना है। ये बियरिंग है, बियरिंग से ये दूरी एस मान लीजिए, इस बीमर के सेंटर की दूरी एस मान लीजिए, तो एफर्ट की लग रहा है यहां पे ऐसे, यहां पे ये बिंदु है, इससे परपेंडिकुलर एफर्ट लग रहा है। तो एफर्ट के कारण जिसमें टॉर्क तो आई रहा है, साथ में बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट एम बराबर हो जाएगा पी इंटू एक्स, पी तो लोड है एफर्ट है और एक्स इसेंट्रिसिटी है बेयरिंग की, तो पी इंटू एक्स इस शाफ्ट के इस भाग में टॉर्क भी लग रहा है साथ में बेंडिंग भी लग रहा है, एम ये जाएगा और पी टॉर्क जो है टॉर्क पी बराबर पी एल, तो इक्वलेंट टॉर्क हम निकालें। इक्वलेंट टॉर्क कैसे निकालेंगे, टी ई बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये ठीक उसी तरह से जैसे हम शाफ्ट में करते आए हैं, एम की वैल्यू रखेंगे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई करें तो टी बाहर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये टी आ जाएगा। और टी का फॉर्मूला क्या है, 5/16 tau d1 cube is equal to p under root x square plus l square। इस वाले इक्वेशन से हम d1 का मान याद कर रहे हैं, ये d1 आया। अब इस डिजाइन में हम शाफ्ट का डायमीटर निकाल चुके हैं, शाफ्ट का डायमीटर यहां पे कितना है वो निकाल चुका है, बॉस की साइज कंप्लीट निकाल चुका है, बॉस के अंदर उत्पन्न स्ट्रेस हम चेक कर चुके हैं। अब हमको लीवर आर्म की साइज निकालनी है, लीवर आर्म की चौड़ाई डी है और मोटाई टी है, ये चौड़ाई जो है यहां पे डी है बॉस के पास है और यहां कम हो जाए, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसका डिजाइन कैसे करेंगे ये समझना है। इस आर्म का क्रॉस सेक्शन यहां पे देखें तो रेक्टेंगुलर आता है, और यदि बॉस के पास में यहां पर क्रॉस सेक्शन देखें तो इसकी जो डेप्थ है वो डी हो जाएगी और थिकनेस जो है टी है। इसके लिए सेक्शन मॉडल मॉडुलस, सेक्शन मॉडल जेड बराबर 1.6 टी डी स्क्वायर। अब ये कहां से आया, आप जानते हैं जेड बराबर आई अपॉन वाई, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा टी डी क्यूब बाई 12 डिवाइडेड बाई वाई, वाई का मान दिया है, वाई क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस से अधिकतम दूरी, वाई का मान हो जाएगा बी बाई 2, ये अपन को मिलेगा 1.6 टी टी स्क्वायर जेड बराबर, तो जेड को हम याद भी कर सकते हैं जेड बराबर 1.6 टी टी स्क्वायर, और इस पर मोमेंट क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है एम बराबर पी एल, पी एफर्ट है और एल लेंथ है, ये बराबर हो जाएगा 1.6 टी डी स्क्वायर इंटू सिग्मा बी, तो क्या लगता है एम बराबर सिग्मा बी जेड, ये जेड का मान हमने रख दिया। अब इस इक्वेशन में क्या है, दो वेरिएबल है पी और बी दोनों निकालने हैं और इक्वेशन एक है, हमको क्या करना होगा b और t का एक रेशियो अज्यूम करना पड़ेगा, वो सूटेबल रेशियो है b बराबर 4t, इसी क्वेश्चन b बराबर 4t रखेंगे तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा, उसे हम t का मान निकालेंगे फिर बाद में b का मान निकालेंगे, वो b का मान आएगा इस लीवर आर्म की चौड़ाई बॉस के पास में, यहां आके टेपर करेंगे और ये b बाई 2 लेंगे, टेपर क्यों करेंगे आप जानते हैं बेंडिंग मोमेंट यहां अधिकतम होगा और यहां पे आकर के कम होता जाएगा, इसलिए इसको टेपर देते हैं। तो इसमें शाफ्ट का डायमीटर आ गया, बॉस की साइज आ गई और आर्म की भी डिजाइन हम कर चुके हैं। इसके लिए यदि की है तो की का डिजाइन भी हम कर सकते हैं, आपको पता नहीं होगा की का डिजाइन आप कभी करें जब क्वेश्चन में दिया होगा,
अन्यथा हम लीवर के डायमेंशन निकालने की प्रायोरिटी देंगे और टी के डिजाइन का प्रोसीजर वही रहेगा जो हम टी के अंदर करते आ रहे हैं। केवल टेंजेंशियल फोर्स आपको समझना होगा कि टी में टेंजेंशियल फोर्स क्या है। टेंजेंशियल फोर्स एट सेंटर ऑफ टी एफ के बराबर ई एल डिवाइडेड बाई ई बाई टू टॉर्क डिवाइडेड टॉर्क हो गया पी एल और रेडियस लाइक पी बाई टू। इससे टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा और टेंजेंशियल फोर्स को अपन रखेंगे डब्ल्यू इंटू एल इंटू टाउ के बराबर एफ के। इससे एल आ जाएगा डब्ल्यू और एल और क्रशिंग स्ट्रेस करेंगे अपन एल इंटू पी के बाई टू इंटू सिग्मा सी टी के क्या टी टू हो जाए। इस तरह से टी का डिजाइन भी यदि करना पड़े तो हम कर सकते हैं। कुछ डायमेंशन और हमको निकालने होंगे वो है इस हैंडल की साइड। ये हैंड लीवर है हाथ से ऑपरेट होता है। हाथ से ऑपरेट करने के लिए इसकी कंफर्टेबल लेंथ जो है ये 125 टू 150 रूम लेंथ चाहे 125 ले लो चाहे 150 ले लो। इसका व्यास यहां पे 1 इंच लेना 25 mm और यहां पे 1.25 इंच ये लगभग 32 mm हो जाएगा। ये जो एफर्ट पी लग रहा है इसका मान क्या लेंगे एक सामान्य इंसान 300 से 400 न्यूटन तक का एफर्ट डाल सकता है। 400 न्यूटन हायर लिमिट है। इससे ज्यादा एफर्ट नॉर्मली कोई नहीं डाल सकता। डिजाइन जो हम करेंगे 400 न्यूटन तक आएंगे। एफर्ट 400 न्यूटन लेंगे। लीवर की लंबाई हमको दी हुई होगी। ये डायमेंशन हमने हाथ के हिसाब से कैलकुलेट करके एक फोर्स पे है डिजाइन ऑफ फुट लीवर। ये हमने किया डिजाइन ऑफ हैंड लीवर। ये हमने जो डिजाइन किया वो हैंड लीवर का डिजाइन किया। अपने स्ट्रेस में डिजाइन ऑफ फुट लीवर भी है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजाइन ऑफ फुट लीवर केस में हमको वही डिजाइन काम आएगी। केवल हैंडल की जगह पेडिस्टल आ जाएगा। उसमें क्या चेंजेस आएंगे आपको बता देता टॉप टू देखेंगे। ये पेडेस्टल है उसमें ऐसी एम्बॉसिंग होती है ताकि पैर स्लिप नहीं हो। इसकी साइज क्या होगी ये लगभग 6 इंच उसको अपन एमएम में लेते 150 mm और ये जो है 3.5-4 इंच बहुत है 100 mm ले लेते। और ये मोटाई जो है आप 6 mm से 8 mm ले सकते हैं। एक ये अंतर आएगा तो हैंडल भी लेगा पेडिस्टल आएगा। दूसरा अंतर क्या आएगा एफर्ट अंतर आएगा। एक सामान्य व्यक्ति 300 से 400 न्यूटन एफर्ट हाथ से लगा सकता है लेकिन पैर से डबल लगा सकता है। एफर्ट की जो होगा वो 800 न्यूटन होगा। हमको डिजाइन करने में चाहे एफर्ट नहीं दिया हुआ है तो हम अपने आप मानेंगे। हैंड लीवर और फुट लीवर में ये आवश्यक नहीं है कि एग्जाम में हमको एफर्ट दे रहे एफर्ट अज्यूम करना होगा 400 न्यूटन हाथ के लिए और 800 न्यूटन पैर के लिए। ये है इस पोर्शन में हमने हैंड लीवर की डिजाइन भी समझ ली और फुट लीवर की डिजाइन समझ ली। अब एक वास्तविक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझेंगे वो नेक्स्ट पेज में हम समझेंगे। थैंक यू।